दोस्तों, भारत में इस समय संसदीय सत्र चल रहा है और इसी बीच काफी बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है और जिस चीज का इंतजार भारत को वर्षों से था, अब उस दिशा में आखिरकार भारत कदम उठाना शुरू कर चुका है। बात हम कर रहे हैं भारत के द्वारा खरीदे जाने वाले 114 फाइटर जेट डील को लेकर। अभी तक ये पूरी डील ठंडे बस्ते में पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा था, लेकिन अब इसको लेकर भारत की तरफ से काफी कुछ कहा गया है और कई तरह की नई डिमांड और शर्तें भारत की तरफ से रखी गई है। इन्हीं को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है भारत के इस बड़े MRFA डील को लेकर, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको बता दें कि जब भारत ने MRFA टेंडर निकाला था तो दुनिया की 6 बड़ी कंपनियां इस डील को पाने के लिए दौड़ में शामिल हो गई थी। इन कंपनियों में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों की कंपनियां डील को पाने की रेस में शामिल थी, लेकिन अब इस पूरी डील में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि एयरफोर्स के लिए विमान बनाने की ये डील उस देश को मिलेगी जो भारत की कुछ शर्तों को मानेगा। इन शर्तों में भारत सरकार ने पहली शर्त रखी है कि इन सभी 114 विमानों का कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही किया जाए। इसके साथ दूसरी शर्त है कि भारत को विमान बनाने की कंप्लीट तकनीक ट्रांसफर की जाए और तीसरी शर्त है कि भारत सरकार चाहती है कि जो भी देश इस डील को हासिल करेगा वो भारत के किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार का कहना है कि जो भी इन तीनों शर्त को मान लेगा वो इस डील को प्राप्त करेगा। लेकिन बता दे कि 2020 में जब भारत सरकार ने टेंडर जारी किया था उसमें कुछ अलग शर्तें थी जिसे भारत ने अब बदल दिया है। नए नियमों के साथ भारत सरकार जल्द ही टेंडर जारी करने वाली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दे कि ये डील दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर विमान की डील मानी जा रही है और यही कारण है कि भारत की तरफ से ये तीन बड़ी डिमांड रखी गई है। 2019 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया था कि एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में मौजूद विमान 2025 तक रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में एयरफोर्स को नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसके बाद 2020 में भारत सरकार ने इसको लेकर एक टेंडर भी जारी किया था जिसमें दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। ये डील 18 से 20 बिलियन डॉलर की थी, यानी कि करीब 1.6 लाख करोड़ की ये डील थी। इस डील को पाने के लिए अमेरिका की बॉइंग, लॉकेट मार्टिन, मिग और डेसॉल्ट एविएशन सहित दुनिया के प्रमुख एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर इस टेंडर में शामिल हुए। भारत सरकार के अधिकारियों ने तब कई विदेशी कंपनियों के साथ बैठक भी की थी। इस बैठक में भारत ने अपनी शर्तें तब बताई थी। तब भारत सरकार ने कहा था कि डील में आत्मनिर्भर भारत योजना का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अधिकारियों ने मेक इन इंडिया पर भी बैठक पर जोर दिया था। तब ये योजना बनी थी कि शुरुआती 18 विमान डायरेक्ट इंपोर्ट किए जाएंगे जिसकी पेमेंट टोटल विदेशी करेंसी में होगी। इसके बाद अगले 36 फाइटर जेट देश में ही बनाए जाएंगे और इन 36 फाइटर जेट्स की पेमेंट फॉरेन और इंडियन करेंसी दोनों में की जाएगी और आखिरी के 60 जेट्स की जिम्मेदारी भारतीय पार्टनर की होगी जिसके लिए सरकार केवल भारतीय करेंसी में पेमेंट करेगी। इसके पीछे वजह है कि इस कदम से प्रोजेक्ट में शामिल वेंडर्स को 60% से अधिक मेक इन इंडिया सामग्री हासिल करने में मदद मिलेगी। तब इस डील को पाने के लिए दुनिया की 6 अलग अलग कंपनियां आई थी। इसमें सबने अपने अपने देश के विमानों को ऑफर दिया था, लेकिन भारत सरकार ने इस डील की पॉलिसी को अब बदल दिया है। भारत सरकार ने इस डील में तीन शर्तें लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इस डील में जो भी कंपनी इन तीनों शर्तों को मानेगा उसी को ये डील दी जाएगी। सरकार का कहना है कि 2020 के टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा। भारत पहली बार किसी डील में ऐसी कड़ी शर्तें लेकर आया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये 20 बिलियन डॉलर की मेगा डील है, तो भारत में ये बनेंगे तो इससे भारत में रोजगार पैदा होगा और साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी जोर मिलेगा। कंप्लीट तकनीक ट्रांसफर से आगे ये काम आ सकती है। हाल ही में भारत ने अपने 5th जनरेशन के MCA विमान के लिए अमेरिका के साथ भी डील की है। अमेरिका की कंपनी GE इस विमान का इंजन बनाएगी जिसे F414 इंजन कहते हैं। वहीं इस डील के दौरान भी भारत ने कंप्लीट तकनीक ट्रांसफर की शर्तें रखी थी जिसे पहले अमेरिकी कंपनी ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में NSA अजीत डोवल ने नेगोशिएशन किया तो अमेरिका भारत को 80% तकनीक ट्रांसफर करेगा। ऐसा ही हाल भारत ने नेवी के लिए फ्रांस के राफेल नेवी वेरिएंट की डील में भी किया है। तो फ्रांस के द्वारा कंप्लीट तकनीक ट्रांसफर करने के लिए इनकार कर दिया गया था। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत सरकार के ये कड़े नियम सेना को विमान मिलने में देरी का कारण हो सकते हैं, क्योंकि 2025 तक मिग सीरीज के कई विमान एक्सपायर हो रहे हैं।
तो भारतीय सेना को ये जल्द से जल्द चाहिए। हालांकि सेना ने 83 LCA मार्क 1A एयरक्राफ्ट की खरीदी के लिए ऑर्डर दे रखा है, लेकिन अभी उसकी जरूरत के हिसाब से संख्या काफी कम है। मौजूदा मिक्स सीरीज के विमानों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है या फिर उनकी लाइफ खत्म होने वाली है। वहीं पांचवी पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को बनने में भी अभी काफी समय लग सकता है। यही कारण है कि भारत इस समय फाइटर जेट के क्षेत्र में काफी ज्यादा पिछड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारत द्वारा इन शर्तों के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत की ये डिमांड सही है नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।